दोस्तों कैसे आप सब, उम्मीद करता हूँ कि सब अच्छे से होंगे। दोस्तों आज हम आपको एक ऐसे शहर के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे सिटी ऑफ ब्लैक गोल्ड के नाम से भी जाना जाता है, और यह राजस्थान का एक ऐसा जिला है जहां पर पूरे भारत के कच्चे तेल का 25% केवल इसी जिले से उत्पादन होता है, और यह थार मरुस्थल का एक भाग भी है। यही नहीं दोस्तों, राजस्थान का सबसे पहला अंडरग्राउंड एयरबेस इसी जिले में बनाया गया था। दोस्तों वैसे राजस्थान टूरिज्म के मामले में काफी प्रसिद्ध है, और हमने पहले भी राजस्थान के प्रसिद्ध शहरों के वीडियोस बनाए हैं जिन पर आपने अच्छा खासा प्यार दिया है। इसी को देखते हुए आज हम आपके लिए वीडियो लेकर आए हैं राजस्थान के पश्चिम में स्थित एक खूबसूरत जिले बाड़मेर के बारे में। आज के इस वीडियो में जानेंगे बाड़मेर से जुड़ी रोचक जानकारियां, और साथ ही बताएंगे अगर आप यहां घूमने के लिए जाएं तो कितना खर्च आएगा। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। इस जिले की सीमाएं उत्तर में जैसलमेर, दक्षिण में जालौर, पूर्व में पाली एवं जोधपुर जिले और पश्चिम में पाकिस्तान से लगती है। 28,387 वर्ग किलोमीटर में फैला बाड़मेर राजस्थान का तीसरा सबसे बड़ा जिला है, जिसकी जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार लगभग 26,03,751 है, जो जनसंख्या के हिसाब से राजस्थान का सातवां सबसे बड़ा जिला है। और यहाँ की आबादी का 86.22% हिस्सा हिंदू धर्म, 12.34% मुस्लिम और बाकी अन्य धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं। इसके साथ ही आपको बता दूं कि यहाँ की साक्षरता दर लगभग 56.5% है, जो कि बहुत ही कम है। और यहाँ की मुख्य भाषा मारवाड़ी है, जो कुछ इस तरह से बोली जाती है। परवीन ये डॉक्टर साहब कने गयो, परवीन ये डॉक्टर साहब जो कने जान बोलियो पेट में बहुत दर्द हो रहा है, डॉक्टर साहब समझ गया कि कब्जी है। दोस्तों ये राजस्थान की राजधानी जयपुर से 533 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। दोस्तों बाड़मेर की स्थापना 13वीं सदी में बाड़राव परमार ने की थी, और इन्हीं के नाम पर इस जिले का नाम बाड़मेर पड़ा। बाड़राव परमार जूना बाड़मेर के शासक थे, और जूना बाड़मेर की पहाड़ी पर ही बाड़राव परमार ने एक छोटे से किले का निर्माण भी करवाया था, जो वर्तमान बाड़मेर से 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जिसे जूना बाड़मेर गढ़ के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद 15वीं शताब्दी में रावत भीम ने वर्तमान बाड़मेर शहर को बसाया था। दोस्तों जिले में सबसे लंबी नदी लूणी नदी है, जिसकी लंबाई 480 किलोमीटर है। और दोस्तों यहाँ पर गर्मियों का तापमान 51 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, जबकि सर्दियों का तापमान 0 डिग्री तक चला जाता है। दोस्तों यहाँ पर राजस्थान का सबसे पहला कोयला आधारित विद्युत संयंत्र बाड़मेर में ही बना था। इसके साथ ही बाड़मेर राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा कोयला उत्पादक जिला भी है। दोस्तों बाड़मेर की रिफाइनरी को पिछले 30 सालों में इंडिया की सबसे बड़ी खोज में से एक माना जाता है। यही कारण है कि इस जिले को काला पानी और ब्लैक गोल्ड के नाम से भी जाना जाता है, और यहाँ पर उच्च क्वालिटी का क्रूड ऑयल, पेट्रोल के साथ साथ डीजल जैसे भंडार मौजूद है। यही नहीं, यहाँ पर विश्व की सबसे बड़ी हीटेड पाइपलाइन भी मौजूद है, जिसकी लंबाई लगभग 700 किलोमीटर है। दोस्तों जानकारी के लिए बता दूं कि यह पाइपलाइन बाड़मेर से क्रूड ऑयल को गुजरात तक पहुँचाने में काफी आसानी प्रदान करती है। इस पाइपलाइन में ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है जिससे क्रूड ऑयल का तापमान नियंत्रित रहता है। इन्हीं सब खासियतों की वजह से बाड़मेर को राजस्थान का दुबई भी कहा जाता है। इसके साथ ही आपको बता दूं कि राजस्थान की सर्वश्रेष्ठ नमक पंचभद्रा बाड़मेर में ही पाई जाती है। दोस्तों चेहरे की स्किन को साफ करने के लिए मुल्तानी मिट्टी से भूत जैसा चेहरा तो आपने कभी बनाया ही होगा, तो आपको बता दूं कि सबसे अधिक मुल्तानी मिट्टी बाड़मेर में ही पाई जाती है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ के फेमस फूड के बारे में। तो आपको बता दूं कि राजस्थान की सबसे फेवरेट डिश दाल बाटी चूरमा, जिसे बाड़मेर के लोगों द्वारा काफी पसंद किया जाता है, तो आप यहाँ पर इसे खाना बिल्कुल ना भूलें। इसके साथ ही केर सांगरी, गट्टे की खिचड़ी, बूंदी का रायता और राजस्थानी कड़ी का मजा ले सकते हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ के मोस्ट टूरिस्ट पैलेस की। इससे पहले आपको बता दूं कि आपको यहाँ जनवरी से अप्रैल के बीच में जाना चाहिए, क्योंकि गर्मियों में यहाँ का तापमान बहुत ही ज्यादा गर्म रहता है। इसके साथ साथ बताता चलूं कि यहाँ हर साल मार्च में डेजर्ट फेस्टिवल आयोजित होता है, जिसमें आप बाड़मेर की संस्कृति और कला का भरपूर आनंद ले सकते हैं। दोस्तों सबसे पहला स्पॉट है बर्मा जी का मंदिर।
दोस्तों वर्मा जी का एक मंदिर तो पुष्कर राजस्थान में स्थित है और दूसरा बाड़मेर में। यह पीले सुनहरे जैसलमेर के पत्थरों से बनाया गया है और इस मंदिर में स्थापित वर्मा जी की मूर्ति संगमरमर से बनी हुई है। अगले स्पॉट है दोस्तों महाबार सैंड डून्स। दोस्तों आप बाड़मेर घूमने जाएं और यहाँ की डेजर्ट सफारी का आनंद ना लें तो आपने कुछ नहीं किया, क्योंकि यहाँ की डेजर्ट सफारी काफी मशहूर है जो कई पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती है। यहाँ पर आप ऊंट की सवारी का आनंद ले सकते हैं, वो भी अपने लाइफ पार्टनर के साथ। अगले स्पॉट दोस्तों सिवाना किला। इसका निर्माण पवार राजा भोज के पुत्र श्री वीर नारायण द्वारा 10वीं शताब्दी में करवाया गया था और किले में बहुत से निवास महल भी बने हुए थे जो अब भी टूटी फूटी हालत में देखने को मिल जाएंगे, और ऊपर राजमहल के पास बने एक चबूतरे पर शिवलिंग मौजूद है। अगला है बाड़मेर मार्केट। दोस्तों यहाँ पर आपको हैंडीक्राफ्ट आइटम्स और घर की सजावट के लिए ट्रेडिशनल आइटम्स के साथ साथ राजस्थानी कारपेट, शॉल और बारीक नकाशी के साथ आपको तरह तरह के कपड़े देखने को मिल जाएंगे। इसके साथ ही आपको बता दूं कि यह सब आइटम्स आपको काफी सही कीमत पर मिल जाएंगे, क्योंकि यह सीधा मैन्युफैक्चरर से खरीदते हैं। अगले स्पॉट है दोस्तों कीराडू मंदिर। इस मंदिर में किसी जमाने में भक्तों का मेला लगा रहता था, लेकिन अभी यह हाल है कि इस मंदिर में लोग रात को तो क्या दिन में भी जाना बिल्कुल पसंद नहीं करते, क्योंकि इसके बारे में लोगों का कहना है कि इस मंदिर में जो रात को रुकता है वह पत्थर का बन जाता है। यह बाड़मेर से 43 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और इसे राजस्थान का खजुराहो भी कहा जाता है। अब दोस्तों आपको बता दूं कि अगर आप यहां जाएं तो कितना खर्चा आएगा। मेरे ख्याल से आप बाड़मेर को 3 दिन में आसानी से घूम सकते हैं, जिसका रहने और घूमने का खर्च लगभग पर पर्सन 6000 रुपये आएगा, और इसमें हमने आने जाने का खर्चा इंक्लूड नहीं किया है। तो दोस्तों वीडियो में दी गई जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस पाने के लिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, और जाते जाते वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।